स्टूडेंट्स तो बहुत होते हैं और वो डिग्री की खातिर लोग यूनिवर्सिटी में जाते हैं, मुख्तलिफ जैसे भी उनको दाखिला मिलता है वो यूनिवर्सिटी में। लेकिन कभी कभी कोई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि वो उनकी दिलचस्पी और जो कोर्स कर रहे होते हैं वो इसके साथ ऐसे मैश कर जाती है कि फिर ये बंदा जो है ना ही स्टार्ट्स टू फ्लाई और दैट इज़ वेयर द मैजिक हैपन्स। एक लाइफ मैगजीन में एक आर्टिकल आया, उसका नाम था मिलियनेयर्स अंडर 40। वो उस ज़माने में अमरीकन रिसाले आया करते थे हमारी लाइब्रेरीज में और सारा, तो मैं लाहौर में मैंने वो आर्टिकल बड़े शौक से पढ़ा। उसमें से बेशतर मुख्तलिफ किस्म के लोग थे लेकिन उसमें डॉक्टर एडविन लैंड की स्टोरी थी। ही ऑल्सो बिकेम ए मिलियनेयर, क्योंकि वो उस वक्त बिलियनेयर होते ही नहीं थे, जो बहुत बड़े बड़े भी अमेरिकन थे ना बिजनेसमैन वो सारे मिलियनेयर ही होते थे, ये बिलियनेयर बड़ा रिसेंटली बने। ये बंदा जब अंडरग्रेड क्लास में, ये हार्वर्ड में साइंस स्टूडेंट फिज़िक्स के लिए दाखिल हुआ, दो काम हुए, एक वहाँ जो कोई क्लास फेलो थी उसके साथ प्यार हो गया है और जल्दी उसके साथ शादी कर, नॉर्मली जो आजकल नहीं होता। अच्छा, दूसरा काम ये हुआ कि फिज़िक्स की क्लास में जो प्रोफेसर था उसने ऑप्टिकल साइंस पे लेक्चर दिया और जिसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, ये लाइट जिस वक्त शीशे में से गुज़रती है तो कैसे वो चेंज कर जाती है डायरेक्शन। लेकिन प्रोफेसर जो था ये नॉर्मल, जब अब प्रिज्म को पढ़ाया जाता है तो ये नॉर्मल चीज़ पढ़ाई जाती है, लेकिन प्रोफेसर ने एक चीज़ आगे की कि इस शीशे के अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेंज कर दें तो इसमें से जो लाइट निकलती है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होने शुरू होती है, तो और इसके अंदर काम करने वाला ये है कि मुख्तलिफ किस्म के जो मेटल्स के सॉल्ट्स हैं वो शीशे में अगर ऐड करके स्टडी किया जाए तो कोई उसमें से कोई नई चीज़ निकल गई। अब प्रोफेसर ने ये बात की और सारी क्लास ने सुनी, लेकिन एडविन लैंड ने जैसे सुनी वो मुख्तलिफ थी। उसने क्या सुना कि उसने कहा अच्छा ये तो फिर मैं ट्राई करके देखता हूँ इसको। तो कुछ तो यूनिवर्सिटी की लैब थी लेकिन शीशा आप आम ग्लास स्टोव के ऊपर भी किचन में भी पिघला सकते हैं, तो उसने वो सॉल्ट्स लेके अपने ही किचन में एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए और करते करते एक ऐसा शीशा बनाया उसने जो कि उसको आप ग्लेयर प्रूफ कह सकते हैं कि उसमें से जो कार की हेडलाइट्स में जो रोशनी निकलती है वो एक और फ्रीक्वेंसी पे निकलेगी और वो दूसरी गाड़ी जिस पे वो पड़ रही है उसके विंडस्क्रीन के शीशे में जो कॉम्पोजिशन है वो ऐसी है कि उसको उसमें से ग्लेयर को कैंसिल करके बंदा विदाउट ग्लेयर देख रहा। तो उसने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से ये इसको कर ले, तो किसी ने उसको जैसे कैसे लिफ्ट नहीं करवाई, ही कुड नॉट सेल हिज पेटेंट। फिर उसने ही कंटिन्यूड विद एक्सपेरिमेंट्स, वो एक्सपेरिमेंट्स में इतना घुस गया कि क्लासेस मिस होनी शुरू हो गई। हार्वर्ड को खैर बात कह दिया ये एक्सपेरिमेंट, बीवी को कहा कि मेहरबानी करो कहीं जो दो पैसे कमाओ ताकि ना ये दाल दलिया चलता रहे। तो उस बीवी की सपोर्ट के साथ ये अपना जो छोटा लो कॉस्ट एक्सपेरिमेंट्स अपने घर के किचन से और जो भी यूनिवर्सिटी के साथ कोई कनेक्शन होगा उसको यूज़ करके ही कंटिन्यूड। तो उसने फिर एक शीशा ऐसा ईजाद किया जिसको फोटोक्रोमेटिक ग्लास कहते हैं। ये जो ग्लासेस हैं जब लाइट पड़े तो ये डार्क हो जाए और लाइट ख़त्म हो जाए तो ये फिर क्लियर हो जाए, है तो ये अब काफ़ी आपको ये चीज़ नज़र आती है, है जी। ये फोटोक्रोमेटिक ग्लास इसने ईजाद करने में कामयाब हो गया, तो उस पर पेटेंट लिया, पेटेंट ले के फिर पुट अप द पेटेंट फॉर सेल।
तो अमेरिका में एक कंपनी है, उसका नाम है बॉश एंड लॉम, वो भी न्यूयॉर्क में कहीं सेंटर्ड है और बहुत मशहूर कंपनी है। और ये जो जो लोग हंटिंग राइफल्स के साथ और दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, बॉश एंड लॉम की जो हंटिंग राइफल्स की जो साइट्स हैं वो बहुत बिकती हैं। तो बॉश एंड लॉम को उसने, और बॉश एंड लॉम का एक स्टार प्रोडक्ट है, उसको रेबैन कहते हैं। आप अक्सर देखते हैं फ्लायर्स और जो लोग ना रेबैन की ग्लासेस यूज़ करते हैं, फैशनेबल भी है और वो भी है और बड़ा उसके। तो बॉश एंड लॉम को उसने वो पेटेंट बेचा और बॉश एंड लॉम ने भी उससे बहुत पैसा बनाया और इसको रॉयल्टी भी बहुत आई। तो वो जो था ना, जो बचपन की जो हार्डशिप थी उसमें से वो निकल गया है जी। और लेकिन तालीम को खैर बात कह चुका था, उसकी दिलचस्पी जो थी फिज़िक्स एंड ऑप्टिक्स एंड ग्लास, उसके ऊपर वो इतनी ज़्यादा रही कि करते करते एक दिन उसके साथ ये हुआ कि मतलब बच्ची उनके घर हुई, तो बच्ची जब अभी 2-2.5 साल की थी तो संडे मॉर्निंग वो बच्ची की उसने फ़ोटो ली। बच्ची कहे मुझे फ़ोटो दिखाओ। कहता है कि मैं उसको क्या बताऊँगा, अभी इसमें फिल्म जाएगी, धुलने के लिए जाएगी, वापस आएगी, फिर होगा। वो ज़माना तो वो फिल्म वाला था। वो बच्ची रो, उसने जो टेंट्रम थे ना, शोर मचारा मचाया कि मुझे भी दिखाओ, भी दिखाओ। तो देखिए, आम आदमी उसको कोई टॉफ़ी दे देगा, कुछ करेगा, किसी और ध्यान में डाल देगा। ये आदमी ही वॉज डिफरेंट। इसने सोचा कि यार ये कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि फ़ौरन नज़र आ जाए। तो फिर इसने लैंड पोलरॉयड कैमरा ईजाद किया कि जिसके अंदर तस्वीर खींचने के सारे बार आप उसको पील ऑफ करें, वो जितने केमिकल थे ना करने वाले उसी फिल्म के अंदर उसने डेवलप कर दिए। तो उसको टाइम लगा, लेकिन फिर वो जब वो कैमरा हुआ तो फिर एक टाइम आया कि अमेरिका में दैट वॉज द मेन कैमरा, जिसमें इंस्टेंट कैमरा बन गया, फ़ौरन तस्वीर आ जाती थी। तो इस तरीके से वो उसने फिर बेशुमार पेटेंट्स लिए और वो पेटेंट्स सारे ऑप्टिक्स और ग्लास और इस किस्म के पेटेंट्स थे। एक इलम दो सोसाइटी होती है ना, उसका आप रिएक्शन देखें कि हार्वर्ड ने देखा कि ये हमारे पास तो इसने ग्रेजुएशन भी नहीं की और इसने जाके फिज़िक्स में वो काम कर दिए हैं जो कि हमारे यहाँ पे कोई नहीं कर सका। तो इसकी उन्होंने कदर की, ये नहीं किया कि यार इसकी तो डिग्री नहीं है तो यह तो कुछ नहीं, जैसे हमारे नॉर्मल सोसाइटी में बात होता है। नहीं, उन्होंने उस बंदे की ये कदर की कि उसको बुला के फिज़िक्स में PhD की डिग्री ऑनररी दी, एंड दैट इज़ हाउ ही बिकेम डॉक्टर एडमंड लैंड विदाउट इवन फिनिशिंग हिज बैचलर क्लास है। तो ये इलम भी है, दूसरा भी है, और जैसे मैं कहता हूँ कि एक वक्रे टाइप का स्टूडेंट भी है। तो बहुत से स्टूडेंट जो हैं, अपने जब आप अपने दिल के साथ किसी चीज़ के ऊपर काम करते हैं ना, तो फिर ये हो जाता है।